नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। दबंगों की दबंगई से परेशान है गरीब असहाय लोग। मामला अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना के अंतर्गत ग्राम बरकोट के रहने वाले रामधनी पुत्र जगमोहन ने तहरीर देते हुए जिलाधिकारी को बताया कि वह अपनी पट्टे की जमीन में घर का निर्माण कर रहा था, लेकिन विपक्षी व्यक्ति ने दबंगई के बल पर कार्य रुकवा दिया। उसके बाद उप जिलाधिकारी व थाना मोहनगंज के चक्कर बार बार लगाता रहा कि विपक्षी द्वारा रोके गए कार्य को सही तरीके से जांच कर मकान बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन एक साल हो गए हैं, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तहरीर मिलते ही जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आश्वासन दिया कि मामले को सही तरीके से जाँच कर विविध कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित ने मीडिया के सामने कहा कि यदि जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो वह लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय न्याय की भीख मांगने जाएगा। अमेठी ब्यूरो चीफ अनिल कुमार दुबे के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। हमारा सर धनी राम नाम से। धनी राम जी, आज आप कलेक्टर आए, किस मामले को लेकर? हम इस मामले को एक साथ साहब परेशान हैं। हमारा कहीं सुनी नहीं जाता, न हमारे तहसील में सुनी जाए। यहाँ बार बार हम आते हैं, सब हमारे पास सबूत है, हमारा कोई नहीं सुनता है। फिर भी आज डीएम साहब हमको आदेश दिए हैं कि हमारी सुनी जाएगी। अगर हमारी सर नहीं सुनी जाती तो मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ। मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, योगी जी से। योगी जी नहीं सुनेंगे तो मैं मोदी तक पहुँचूंगा। ये साहब ये मौजा बार को काम समझ लो का, जबकि हमको आबादी दी गई है चकबंदी के पहले, हमको जो उन्हें कोई हमको अपने दरवाजे बसाए रहा है, उसके बाद हमको आबादी मिली है। आबादी में समझ लियो वो और एक आदमी को मिला है और अपनी जमीन बेच करके हमारे आबादी में वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हम एक साथ से परेशान हैं, कोई सर हमको मेरा नहीं सुनता है, मेरा नहीं सुनता। एक साल से हम परेशान हैं। एसडीएम और थाना जब जाता है पैसे मांगता है, पैसे खा करके चला आता है सर, पैसे आगे चल रहा है। जहां अगर पड़ जाएगा मैं वही कहूंगा, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे थाना हो, चाहे इंचार्ज हो, मेरी एक साल से नहीं सुनी जाती। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर नहीं सुनी जाती यहाँ से लखनऊ तक तो मैं आप हत्या कर लेंगे।